और ये लोग करोड़ों को क्या समझते नहीं मालूम, जो भी क्वेश्चन उठाते हैं, करोड़ रुपीस किसको बोलते हैं, 10 करोड़ किसको बोलते हैं, 25 करोड़ किसको बोलते हैं, ये काम कितने करोड़ का हो रहा है, तो कभी उसके बारे में खाली YouTube, TV, मीडिया के सामने बता रहे हैं, हकीकत में नहीं बता रहे हैं। अभी तो आपको ये मेरा 10% शुरुआत हुआ है, अभी आपको मैं समझता हूँ कम से कम आप एक महीना भी खाली एजुकेशन के बारे में कंटिन्यू में डेली आपको बताते गया तो कम पड़ता है। नव विद्या स्कूल बोल के स्कूल बने जा रहा, हाई स्कूल है ये 6th to 10th, तो ये एक बहुत टॉप लेवल, ये क्लास वन जितने भी मैं बना रहा हूँ ना, क्लास वन जो आजकल एजुकेशन में जो कंपटीशन चल रहा है, तो ये स्कूलों में क्या है, कभी भी सीट्स मिलना मुश्किल है, ऑलरेडी बहुत जगह ये टॉप लेवल बने हैं। तो इसका पहले तो सबसे कॉन्सेप्ट ये रहता है, पहले फुल फ्लेज स्टाफ, पूरा 100% स्टाफ, ये स्कूल कम से कम 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे हैं। इसका जो लोग बना रहे हैं कंट्रैक्टर, हमारे GM कंस्ट्रक्शन, हमारे जावेद भाई बोल के आपको मालूम है, तो वो बना रहे हैं और बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन होता है उनका, जहाँ पे भी काम किए हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा नाम किए हैं। तो इससे पहले हमारे नौबाद में भी बनाए हैं डिग्री कॉलेजेस, तो मैं स्पॉट विजिट करने आया हूँ। मैं बताया था ना आपको कि एजुकेशन में मैं 200 करोड़ से ऊपर बताया हूँ, अभी हॉस्टल्स छोड़ के, हॉस्टल्स वो मिले तो वो 50 करोड़ के अलग ही है, अलग हॉस्टल्स, खाली एजुकेशन के बिल्डिंग के बाद बता रहा हूँ मैं कि 200 करोड़ से ज़्यादा क्या हूँ, सिर्फ ये जो भी आपको बता रहा हूँ 10 करोड़ के ऊपर के काम बता रहा हूँ। तो लोग तक ये काम आज तक आप नहीं बताए, आप क्यों बता रहे हैं सर इतने साल के बाद, हर मर्तबा आप कौन सा भी काम नहीं कर। मैं कम से कम बिदर में 1000 करोड़ से ज़्यादा जो काम किया हूँ ना, नहीं बताया मैं किसी को, क्योंकि मेरे घर में मैं जो काम करूँ वो मेरे लोगों को, मेरे घर को क्या बताऊँ बोल के मैं नहीं बताया, बोर्ड तक नहीं डाला मैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन अभी लोग पूछ रहे, अभी से क्वेश्चन पूछ रहे, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। अगर मुझे क्वेश्चन पहले अगर पूछते तो मैं पहले भी सभी स्पॉट पे बताता था। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट में इतना काम क्यों, इतना काम क्यों, अब देखने वाले सुनने वाले खुद परेशान होते हैं कि ये क्या मैजिक है, अजूबा है, इन्हों लाखों में बोल रहे या करोड़ों में बोल रहे, बल्कि मैं लाख की बात नहीं कर रहा, खाली करोड़ों की बात कर रहा हूँ। और फर्स्ट टेस्ट में 120 का वर्क कोई, ये डाइनिंग है सर, उस तरफ का गर्ल्स हॉस्टल है, ये बॉयज हॉस्टल है, ये एकेडमिक ब्लॉक। आगे भी स्टैंड ऊपर का ले सकते हैं, मैंने बोल सकता है आप बोले जो ये इधर का है, ये इधर का इधर भाई है पीछे का, हाँ ये पीछे का, ये एंट्रेंस है, कॉलेज एजुकेशन में कितना दो वक्त है डिग्री कॉलेज में बने कितना बोले, अभी हम टोटल 3 हॉस्टल जो जो आप पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनाए थे, फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में बनाए, फाउजर में कितना का फाउजर, वो भी 4.5 करोड़ का, तो 10 करोड़ का काम हुआ टोटल यहाँ पे, जिससे लाइब्रेरी जी जो वो मिला के सर, ऑडिटोरियम 4.5, 3 हॉस्टल्स हुए सर आपके, कोरिड में लॉर्ड में को गया, अभी 2 अंडर कंस्ट्रक्शन अभी को आदाब। ये
नव विद्या स्कूल बल के स्कूल बनने जा रहा, हाई स्कूल है ये 6th to 10th। तो ये एक बहुत टॉप लेवल, ये क्लास वन जितने भी मैं बना रहा हूँ ना, क्लास वन जो आजकल एजुकेशन में जो कंपटीशन चल रहा है, तो ये स्कूलों में क्या है, कभी भी सीट्स मिलना मुश्किल है। ऑलरेडी बहुत जगह ये टॉप लेवल बने हैं, तो इसका पहले तो सबसे कॉन्सेप्ट ये रहता है, पहले फुल फ्लेज स्टाफ, पूरा 100% स्टाफ मनली और एलम्बर के बीच में। ये स्कूल कम से कम 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे हैं। इसका जो लोग बना रहे हैं कंट्रैक्टर, हमारे जीएम कंस्ट्रक्शन, हमारे जावेद भाई बोल के आपको मालूम है, तो वो बना रहे हैं और बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन होता है उनका। जहाँ पे भी काम किए हैं उन्होंने, बहुत ही अच्छा नाम किए हैं। तो इससे पहले हमारे नौबाद में भी बनाए हैं डिग्री कॉलेजेस, तो मैं स्पॉट विजिट करने आया हूँ। मैं बताया था ना आपको कि एजुकेशन में मैं 200 करोड़ से ऊपर बताया हूँ। अभी हॉस्टल्स छोड़ के, हॉस्टल्स वो मिला है तो वो 50 करोड़ के अलग ही है, अलग हॉस्टल्स, खाली एजुकेशन्स के बिल्डिंग के बाद बता रहा हूँ मैं कि 200 करोड़ से ज़्यादा क्या हूँ। तो यहीं पे भी आगे एलम्बर बोल के गाँव आता है, वहाँ हाई स्कूल में काम कर, प्राइमरी में अलग क्या हूँ। मेरे एरिया को कम से कम 50 प्राइमरी स्कूल, 50 हाई स्कूल को वो अलग ही बजट दिया हूँ, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। मैं सिर्फ ये जो भी आपको बता रहा हूँ 10 करोड़ के ऊपर के काम बता रहा हूँ। तो लोग तक ये काम आज तक आप नहीं बताए, आप क्यों बता रहे हैं सर इतने साल के बाद, हर मरतबा आप कौन सा भी काम नहीं कर। मैं कम से कम बिदर में 1000 करोड़ से ज़्यादा जो काम किया हूँ ना, नहीं बताया मैं किसी को, क्योंकि मेरे घर में मैं जो काम करूँ वो मेरे लोगों को, मेरे घर को क्या बताऊँ बोल के मैं नहीं बताया, बोर्ड तक नहीं डाला मैं। अभी आप जो रोड पे आए ना, जनवाड़े से रोड लेके भालकी बॉर्डर तक जा रही है, और यहाँ पे अभी इधर नई रोड बनी है सीमी नगड़ा, तो 35 करोड़ के गाँव में रोड बनाया हूँ आपको। नेक्स्ट रोड, क्योंकि रोड ड्रेन बोल के सिटी में बता रहा था, गाँव में नहीं देखे, गाँव में भी 100 करोड़ रुपये के रोड ड्रेन बनाए हूँ अब तक, लोगों को ऐसे खाली सिटी में बनाया बोल के मालूम हो रहा है। तो क्योंकि मुझे क्वेश्चन अभी लोग पूछ रहे, अभी से क्वेश्चन पूछ रहे, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। अगर मुझे क्वेश्चन पहले अगर पूछते तो मैं पहले भी सभी स्पॉट पे बताता था। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट में इतना काम क्यों, इतना काम क्यों, अब उस देखने वाले सुनने वाले खुद परेशान होते हैं कि ये क्या मैजिक है, अजूबा है, इन्हों लाखों में बोल रहे या करोड़ों में बोल रहे बोल के। मैं लाख की बात नहीं कर रहा, खाली करोड़ों की बात कर रहा हूँ, और ये लोग करोड़ों को क्या समझते नहीं मालूम, जो भी क्वेश्चन उठाते हैं, करोड़ रुपीस किसको बोलते हैं, 10 करोड़ किसको बोलते हैं, 25 करोड़ किसको बोलते हैं, ये काम कितने करोड़ का हो रहा है, तो कभी उसके बारे में खाली यूट्यूब टीवी मीडिया के सामने बता रहे हैं, हकीकत में नहीं बता रहे हैं। अभी तो आपको ये मेरा 10% शुरुआत हुआ है, अभी आपको मैं समझता हूँ कम से कम आप एक महीना भी खाली एजुकेशन के बारे में कंटिन्यू में डेली आपको बताते गया तो कम पड़ता है। जिस तरह से एजुकेशन का एक 8-10 दिन बताने के बाद फिर मैं दूसरे एग्रीकल्चर में जाऊंगा, ट्रांसपोर्ट लाइन में जाऊंगा, KRTC में क्या क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी में क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जो आज 24 आवर्स मिल रही है करंट, उसके ऊपर 50 करोड़ रुपये खर्चा किया हूँ, वह भी आपको बताऊँगा, कहाँ कहाँ उसके बड़े बड़े स्टेशन बिठाए। तो इस तरह से, और ये देखिए बोलने वाले भी अपने भाई से, ऐसा नहीं कि दूसरे कोई बोल रहे, ऐसा नहीं, कुछ अपने भाई या रियल में बोल रहे, मोहब्बत से बोल रहे या जल को बोल रहे पता नहीं, मगर जो भी बोल रहे सा अच्छा, उनका बोलना भी अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि लोग पूरे लोगों को मालूम तो चल रहा है कि मैं क्या क्या किया हूँ हर डिपार्टमेंट में बोल के।